भाई शादी के बाद तो तुमने अपनी लाइफ इतनी बिजी कर ली है, मुझे लग रहा था कि शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी एक अदद बहन भी है। मुझे तुम्हारी ये अदा पसंद आई है, यानी कि खुद बिजी होकर दूसरे को टाइम नहीं दो और उस पर इल्जाम लगा दो कि वो तुम्हें टाइम नहीं दे रहा। वाह, क्या आमिर से बात हो रही थी? मम ने उसे ऑफिस के कामों में इतना बिजी कर दिया है कि उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा, ये आमिर ने तुम्हें कहा है? नहीं मायर, वो कहाँ कुछ कहता है, वो तो अपने काम को लेकर इतना फोकस्ड है कि उसे फील ही नहीं होता कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है बात करने के लिए, उसने मना किया है। यानी फिर शायद ऐसा ना उसे फील हो रहा हो कि अम्मी ने उसे इसलिए ज्यादा बर्डन दे दिया कि वो तुम्हें अटेंशन ना दे। उसके ये सोचने से पहले मैं उसको पंच करके उसके दांत ना तोड़ दूं। I know, मॉम काम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो तुम्हारी और मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मॉम को लेकर जो भी आमिर की गलत फहमी है ना, बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। वो कैसे, ऐसा क्या होने वाला? आमिर की फूफो मॉम से मिलना चाहती है। जैसे अनाया को पाके तुम्हारे खदशात दूर हो गए, वैसे ही जब हमें इस फैमिली का हिस्सा बनेगा तो उसके भी खदशात दूर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। कब आ रहे हो? मम से मैंने बात की थी, वो कह रही हैं आजकल वो बहुत बिजी हैं, और मैं नहीं चाहती कि मामा और फूफो ब्रीफली मिलें। तुम्हें पता है फूफो बहुत अच्छी हैं, मम जब उनसे मिलेंगी ना, शी इज रियली गोना लाइक हर। चलो अच्छा है, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और सुना, सब ठीक है? ओह गुड, यू टेल मी। मेरा सुख चैन हराम करके तुम कैसे इतने सुकून के साथ रह सकती हो? बोलो, बताओ क्या किया है मैंने? तुम्हारा ये मासूम चेहरा मायर को तो बेवकूफ बना सकता है, मगर मुझे नहीं। तुम्ही ने मायर को उकसाया है मुनीजे के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करने पर, उसको रुला के भेज दिया यहां से। अब तो खुश हो ना? मैं नहीं जानती कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। बनो मत, तुम्हारी वजह से ही मुनीजे के साथ उसका रवैया रूट हुआ है। मैंने फोर्स नहीं किया उन्हें। तुम्हारी शादी के बाद वो मुनीजे को अब तक नजरअंदाज कर रहा है, क्यों? आंटी जी, मियां बीवी का रिश्ता ना तभी मजबूत होता है जब उनमें यकीन हो, और अगर मायर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुम्हारी ये औकात कि तुम मुनीजे से अपने आप को कंपेयर करो? किसकी क्या जगह है आंटी जी, ये औकात नहीं, नसीब तय करता है। हमदर्दी है मुझे मुनीजे से, लेकिन उस हमदर्दी में मैं अपना शौहर नहीं बांट सकती। अगर वो अपनी मर्जी से खुद उसके पास जाए तो तुम क्या कर लो? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकोगी तुम, क्योंकि मोहब्बत नशे की तरह होती है। जब उसका नशा उतरेगा, होश में आएगा, तो मेरी बात याद रख, वो तुमसे इतनी नफरत करेगा कि धक्के देके इस घर से तुम्हें निकालेगा। याद रखना तुम ये बात, और ये बहुत जल्द होगा।